बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक आज रिवाइज करेंगे दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. ठीक है, कि हाउ एंजाइम एक्ट्स और डिफरेंट थ्योरीज दैट हैव सपोर्टेड इन द फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ द ऑल द फिलॉसफी हाउ एंजाइम वर्क. पहली बात ये कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट, और कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ये जो एंजाइम है ये बाइंड करके बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड करता है. सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, और कोई भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो परफॉर्म करता है. उसके बाद जो सबस्ट्रेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में और एंजाइम उसी तरह का रिकवर हो जाता है. ये एंजाइम जो है ये नेक्स्ट साइकिल ऑफ सिमिलर रिएक्शन को रन करने के लिए अब अवेलेबल होता है. ठीक है, ये तो है स्कीम ऑफ मैकेनिज्म जिसके तहत एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है. यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एक्शन है उसको प्रपोज उसके बारे में दो तरह के मॉडल अभी तक प्रपोज किए जा चुके हैं कि एक एंजाइम कैसे एक्शन करता है. तो जो पहला मॉडल है दैट मॉडल इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल. ठीक है, एमल फिशर जो था ही वॉज ए जर्मन केमिस्ट. ही लाइक प्रपोज दिस मॉडल इन 1894, और इस मॉडल के हिसाब से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पॉजेस स्पेसिफिक शेप. ठीक है, दैट फिट एग्जैक्टली इन टू वन अनदर जस्ट लाइक द लॉक फिट्स इन टू द की. ठीक है, इसी तरह से इंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट, और हर इंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में ही बाइंड कर सकता है. एग्जांपल के तौर पे उन्होंने इसको पिक्चर में आपको शो किया हुआ, ये एक रिजिड सा एक इंजाइम है जो कि इस स्पेसिफिक शेप के सबस्ट्रेट को अपने अंदर जो है वो अटैच कर रहा है. अब देखें ये अटैच हो गया और फिर ये यहाँ से कट हो गया और दो पीसेस बन गए प्रोडक्ट्स के, और एंजाइम भी वैसे का वैसा है और सबस्ट्रेट भी वैसे का वैसा ही है, बस ये थोड़ा सा दरमियान से कट होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया. तो ये है लॉक एंड की मॉडल, कि जैसे लॉक एंड की जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो है उनका स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है, और जैसे वो एक दूसरे के साथ इंतहाई वो जो है वो उनकी शेप स्पेसिफिक होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में जस्ट लॉक एंड की तरह फिट इन हो जाते हैं और रिएक्शन कम्प्लीशन के बाद एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं. ठीक है, मगर ये जो मॉडल है दिस इज़ बेसिकली नॉन रियलिस्टिक. ठीक है, अच्छा, नॉन रियलिस्टिक का मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं हकीकत ऐसे नहीं है. देखिए अगर आप सोचें तो लिविंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं. लुक एट योर स्किन, ठीक है, एंड लुक एट प्लांट्स, लुक एट एनिमल्स, हाउ फ्लेक्सिबल दे आर, मतलब दे आर नॉट रिजिड. ओके, तो इस मॉडल को उन्होंने जो है वो डिनाई करते हुए एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड In 1958, he suggested a modification to lock and key model. ठीक है, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी modification suggest करूँगा सर. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने propose किया induce fit model. Induce मतलब induce कर देना, जैसे आप अपने मामा को induce करते हो कि मामा मुझे ये चीज़ लेनी ही लेनी है, please ले दें. इसी तरह से enzyme भी induce करता है, ठीक है, किसको, substrate को, फिट मॉडल अपने अंदर फिट होने के लिए. ठीक है, वो इंड्यूस करता है कि सबस्ट्रेट उसमें अच्छे से फिट हो जाए एंड देन रिएक्शन प्रोसीड करे. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर. लॉक एंड की मॉडल में क्या था, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इट्स थ्रू आउट द रिएक्शन
रिजिड, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में इट्स सेइंग द एक्टिव साइट इज नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट इज मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले उसकी शेप मुख्तलिफ होती है और रिएक्शन के दौरान कुछ और होती है, और रिएक्शन के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में चेंज हो सकती है। कौन? एक्टिव साइट। तो इस इंड्यूस फिट मॉडल जो है इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल। अब आप इसकी इंड्यूस फिट मॉडल की डिस्क्रिप्शन ये देखें कि ये एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है। शुरू में ये जो है मतलब देखिए इसका ये वाला बाहर की तरफ है पोर्शन, और सबस्ट्रेट का भी ये वाला बाहर की तरफ पोर्शन है। यहाँ वो जगह है जहाँ पे से इसने अटैच होना है, तो इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि इस वाले इलाके को भी इसमें एकोमोडेट किया जा सके। तो जब ये आपस में बाइंड होते हैं तो यहाँ पे देखिए एंजाइम जो है वो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। तो इस तरह से जो आपका एंजाइम है जब वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए बाइंड करता है ऑन इट्स एक्टिव साइट, व्हेन एन एंजाइम बाइंड ए सबस्ट्रेट ऑन इट्स एक्टिव साइट इट मेक्स नेसेसरी चेंजेस ऑन इट्सेल्फ सो दैट द सबस्ट्रेट कैन बी एकोमोडेटेड एंड द रिएक्शन कैन बी डन। सो द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स एंड जो इंजाइम जो है वो रिस्टोर बैक हो जाता है, इंजाइम फिर दोबारा से रिस्टोर बैक हो जाता है नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिएक्शन में। तो ये दो मॉडल हैं जिसके हिसाब से इंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अगर रिजिड है दैट कम्स इनटू लॉक एंड की मॉडल, और इंड्यूस फिट मॉडल सेज दैट द एक्टिव साइट इज़ नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट रीअरेंजेस इटसेल्फ, इट वेरी एकोमोडेटिव, इट कैन एकोमोडेट द सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट, इट इंड्यूसेस द सबस्ट्रेट टू चेंज इट्स शेप, और इट एंजाइम चेंजेस इट्स शेप टू एकोमोडेट द सबस्ट्रेट। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक ख़त्म होता है और हम चलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम की तरफ कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है। सो द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज के हमारे जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनमें दे आर 2000 नोन एंजाइम्स, ठीक है 2000 ओनली नोन है, और वो हर तरह के जो एक एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है या एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, और हर एंजाइम को अपने रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो सबस्ट्रेट है वो भी इंतहाई स्पेसिफिक है, ठीक है। इसी तरह से जैसे प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेजेस हैं, ठीक है, इसी तरह से लाइपेज एंजाइम जो हैं वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, और स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमिंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम किस तरह से स्पेसिफिक है वो शेप ऑफ द एक्टिव साइट डिटरमिन करती है। एक्टिव साइट बेसिकली होती क्या है, एक्टिव साइट पोजेसेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप, ठीक है, सही है, उसकी एक खास शेप होती है जिसमें सबस्ट्रेट को वो फिट करते हैं, जियोमेट्रिक मतलब थ्री डायमेंशनल शेप होगी उसकी कोई ना कोई, जिसमें वो सबस्ट्रेट को अपनी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को फिट कर सकते हैं। जैसे आप जिग्सॉ पजल खेलते हो तो ख़ास ब्लॉक जो है वो ख़ास जगह के साथ जिग्सॉ होता है, सॉ होता है, सो बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट को कर सकते हैं एकोमोडेट स्पेसिफिकली, उनकी शेप स्पेसिफिक होती हैं बट दे आर स्टिल इंड्यूस फिट, ठीक है, यानी कि वो करीब आते हैं जब तो थोड़ी बहुत ही शेप मॉडिफाई करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। जैसा कि आप ये देखो कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के कंसेप्ट को ऐसे बताया उन्होंने, दिस इज़ एन एनजाइम, ठीक है, और इसकी ये वाली एक्टिव साइट है, और इसमें ये तीन तरह के ऑप्शन है, आप इनमें से बताएं कि कौन सा वाला जो है वो करेक्टली इसके साथ बाइंड हो सकता है। इसका आंसर जो है वो आप जो है वो हमें बताएंगे अपने होमवर्क में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर होमवर्क, और आप जो हैं यू कैन थिंक ओवर इट कि अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिव साइट आपको कौन सा जो है सबस्ट्रेट लगता है कि वो इसमें फिट हो सकता है, इधर इट्स सबस्ट्रेट 3, 1 और 2, ठीक है।
सो यहाँ पे हमने जो है ये टॉपिक ऑफ एंजाइम जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, यू कैन डिस्कस विद मी इन क्लास। कोई कन्फ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। और आई होप सो कि आपको एंजाइम के बारे में जो मेजरली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी डिलीवर हो गई होगी। और फिर भी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो हम क्लास में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड लक।